किसी यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति के बारे में। अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा है, तो गांव में तो आप जानते हैं ना नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होकर बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी। तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कॉम्पिटिशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कॉम्पिटिशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कह रहे हैं ये हाथ से बनाते हैं 100% गोल। तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसके। माने आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है, उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी, तो उनका ये जो रोटी है गोल ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। और आपके घर में हर माँ बहन इसको बना सकती है, 10-12 साल की बहन भी आसानी से बना सकती है। इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गर्म ये भारत में ही संभव है, दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है गरम रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। तो रोटी को गरम गरम ही खाएं, गरम गरम ही खिलाएं। यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं। वहां तो बेचारे 3-3 महीने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते अमेरिका और यूरोप में। पता है क्या कि गेहूं हर जगह होता नहीं, कुछ जगह होता। तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भर के वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई है, फ्लोर मिल्स, वहां उनका आटा बनता है। फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है, फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है, फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है, फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बागवत जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। आटे के बारे में वो कहते हैं जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। रोटी के बारे में कहते हैं 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, और पिसा हुआ आटा वो ये कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना, 15 दिन मैक्सिमम, वो भी गेहूं के लिए। ये चना और मक्की और ज्वारी इसके लिए तो 7 ही दिन कहा हुआ, 7 दिन से ज्यादा पुराना नहीं खा सकते क्योंकि वही किस्सा है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी लगातार कम होती चली जाती है। तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं, चक्की है जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं? जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी। ये चक्की पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये क्या अद्भुत चीज बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने। ये दुनिया की ऐसी अद्भुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, और आपके अंदर की मांसपेशियों को हमेशा फ्लेक्सिबल रखती है। और हमारे घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पिछले साल पूरा किया। मेरे एक दोस्त हैं आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके साथ मिलकर, वो गांव में रहते हैं, तो मैंने कहा आप गांव की कुछ महिलाओं पर अध्ययन करिए कि जो चक्की चलाती हैं इनके बारे में जरा पता करिए, और जो चक्की नहीं चलाती पिसा हुआ आटा लाती हैं। तो उन्होंने कहा जो चक्की चलाने वाली माताएं हैं उनके गांव में 90 माताएं हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है।
चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है, चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है, गर्दन नहीं दुख रही है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, 48-50 बीमारियां नहीं है। और जो माताएं पिसा हुआ आटा ला रही हैं कैप्टन कुक आईटीसी का, उनके घरों में डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये भी है वो। तो मैंने वो वैद्य जी को कहा कि आप क्या मानते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माताएं, ये ऐसा क्या विशेष काम कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे समझाया, वो मेरे भी समझ में आया, आपको भी समझ। हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए, सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है, हाथ पे इतना नहीं है, पेट पे दबाव है। और मां के पेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय आपके पेट के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में, चक्की चलाते समय सबसे ज्यादा जोर वहीं है। और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी माने मुलायमियत, अंग्रेजी शायद आप समझ जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मुलायमियत, इलास्टिसिटी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना, जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे। ये हमारे गर्भाशय का सबसे बड़ा गुण है, इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है। और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन, वहां आसपास मांसपेशियां, उनका हलन चलन रहे। तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से, मैंने खुद चला के देखा चक्की, ये सबसे ज्यादा पेट के हिस्से में ही होता है। तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गर्भाशय की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के। तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन। वो दाई आती थी गांव की, जो MBBS नहीं है, MD नहीं है, MS नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी ऐसे ही, जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया। हां ऐसे होता है। तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तब मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो इसी चेन्नई में मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विषय पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए। तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ 7वें महीने तक चक्की चलाने की अनुमति देता है, मां को 7वें महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है, 8वें महीने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है। और उतने 7 महीने की चक्की आपके लिए पर्याप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो। और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें, और जो सीजेरियन है उनके जीवन को देख लें, जमीन आसमान का अंतर है। सीजर बच्चे ज्यादा बीमार हैं, समय समय पे बीमारियां हैं, जो बिना सीजर हैं वो सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डेवलप करने की कैपेसिटी, कल्पनाशीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज्यादा है। तो भागवत जी का सूत्र है कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं, और खाना बनाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आटा, गेहूं का आटा 15 दिन से ज्यादा पुराना ना खाएं, ज्वारी बाजरी और मक्की का आटा 7 दिन से पुराना ना खाएं। और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा, सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा, ज्यादा दिन पुराना ना हो। तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को? अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजिए, संभव हो तो। इससे कई फायदे हैं, आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपके घर में माँ है, कोई बहन है, उसको माँ बनने के समय ये बहुत मदद करेगी चक्की। दूसरा, आपका वेट कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की। अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट सुबह चक्की चलाया पर्याप्त है। 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया, 3 महीने बाद आप देखना 12-13 किलो वजन कम होगा आपका, सिर्फ 15 मिनट की चक्की।
रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं? आप चलाते हैं कि नहीं? लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं? तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा। कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट, यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे चला। अब आप बोलेंगे जी चक्की कहां मिलेगी? चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेन्नई में मिलेगी। पत्थर बनाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि राजीव भाई ये कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिलबट्टा भी कोई खरीदता नहीं, चक्की भी कोई। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिकवाऊंगा आपकी चक्की, हाँ, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूं। वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूं। ये मार्केट बनाने में बागवट जी की बड़ी मदद मिल रही है। तो आप चाहे तो एक चक्की ले लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती है, 15 मिनट आप भी चलाइए। महिलाएं भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि पुरुष ना चलाएं महिला ही चलाएं। महिला चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है, एक्स्ट्रा गेन माने आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है बॉडी में, यूट्रस, वो पुरुष को नहीं है, इसको मदद मिलेगी आपको फ्लेक्सिबल बनाए रहे। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बहनों को विशेष रूप से, उम्र के एक पड़ाव में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी, तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा कि आपको मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा, मेंसेस साइकिल आपकी बंद होगी, मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा। और उस पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं होते कभी। और कई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे जिनको कोई मां समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से पसीना आएगा, पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में तमतमा जाएगा चेहरा, एकदम गर्मी फ्लैशेस। समझ में नहीं आता किसी मां को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था, अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी। इतने वेरिएशन होते हैं, मिनट मिनट में वेरिएशन होते हैं। मन आपका इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या करना जिंदा रह के, ये डिप्रेशन। तनाव मन में होगा, अवसाद मन में होगा, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बनते जाएंगे। कारण उसका एक ही है कि कुछ हार्मोन्स आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किलें ये सब आती हैं। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, 45-50 साल की उम्र में हर मां को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दूसरे जन्म की समस्याएं हैं, इनको जिंदगी में खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बागवट जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूं। तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन बागवट जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा है ना, ये दूसरा बड़ा उपकरण। अगर आप, मैंने सिलबट्टा चला के देखा तो इस सिलबट्टे को चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे ही आता है, चक्की चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे आ रहा है। तो ऋषि मुनियों ने ये चक्की का आविष्कार जब किया होगा और सिलबट्टे का आविष्कार किया होगा तो किसी मां को ध्यान में रखकर ही किया होगा, ये पक्का है। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है। तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट हैं कि मोटापा बढ़ेगा। एक एचआरटी टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ज्यादातर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उम्र में। हाथ जोड़कर विनती है कि कभी ना जाएं, और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से, बढ़ेगा ही,
क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिसिन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है, मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली। तो आप अगर एचआरटी से बचना चाहते हैं और दवा नहीं खाना चाहते हैं तो 15 मिनट की चलाइए ना सवेरे सवेरे चेक की, 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है। 15 मिनट में जितना गेहूं पिस गया, जितना चना दाल पिस गया, अच्छा है। फिर आप बोलेंगे हमारे यहां तो एक एक घंटे चलाते थे, वहां उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था, तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी थी, घी दूध भी अच्छा खाने को मिलता था, तो वो एक एक दो दो घंटे चला सकते थे। आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनट भी आपने चलाया या तो सिलबट्टा या तो चक्की, तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली है। तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है। तो तीन सूत्र अभी तक मैंने आपको भागवत जी के बता दिए, और इन तीन सूत्रों में एक छोटी सी जानकारी और कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह, आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही, आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या 1,00,000 रुपए का स्टाम्प पेपर, दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं, और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है। क्योंकि जिम्नेजियम की जो एक्सरसाइजेज है और वहां जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन, वो आपसे मेल नहीं खाती। आप पता है क्या मेल नहीं खाती, जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 हमका हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में, ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। वायु माने वात, पित्त और कफ शरीर में तीनों है, गर्म देश के लोगों में वायु का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो, ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए भारत में यह कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो, इसलिए यहां के जो डांस है ना उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो। और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है, ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं, तो वायु बढ़ानी है उनको पित्त और कफ को समान रखने के लिए तो हर चीज वो फास्ट करेंगे, उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे। आप देखो रशियन बैले होता है ना, क्या फास्ट स्टेप्स वो करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा, उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। इसलिए हमने चक्की बनाई, सिलबट्टा बनाया, बैलगाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए, बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात बढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को। बैलगाड़ी क्या है, पहिया ही तो है, मुख्य क्या है, पहिया है ना, तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। हम भी चाहते तो हवाई जहाज का पहिया बना सकते थे, जिसने सबसे पहला पहिया बनाया दुनिया में वो हवाई जहाज का भी बना सकता था, लेकिन जरूरत नहीं अपने को, अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया, क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है, हमारे यहां अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा। तो बैल जब बैलगाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दौड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है,
तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैलगाड़ी में स्पीड स्लो रहे इसलिए बड़ा पहिया बनाया। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे ना पर मिनट, जिसको आप RPM रोटेशंस पर मिनट, जितने ज्यादा होंगे स्पीड उतनी होगी। तो रोटेशन ज्यादा करने के लिए छोटे पहिए ही चाहिए, इसलिए हवाई जहाज में छोटे पहिए हैं। हमको स्पीड ज्यादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैलगाड़ी का बड़ा पहिया बनाया। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। वो जो कहते हैं ना, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गर्म देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़ता है, तो इसको कम रखने के लिए, इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है ना, एकदम फास्ट चलती है। अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूं, जो 4 साल से 5 साल से हम कर रहे हैं, हमारा एक केंद्र है भीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं। भीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीख में। आगे और कोई बन जाए चेन्नई में तो शायद भगवान सुन लेगा। भीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाइए। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन है, वहां पर हमारा केंद्र चलता है, उसका नाम है स्वानंद। हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानंद है, हमारा ब्रांड नेम स्वानंद। तो उस केंद्र में हम चक्की चलाते हैं, चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे। और वो आटा भीलवाड़ा के 100 परिवार 125 परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं। वो 100 125 परिवारों का सारा डाटाबेस हमने बनाया है। अब वो 100 125 परिवारों को 4 साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है? तो कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गई। और क्या हो रहा है? कहते हैं जी घुटने का दर्द कम हो गया। और क्या हो रहा है? नींद अच्छी आ रही है। और क्या हो रहा है? पित्त की बीमारियां कम हो गई हैं। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है, और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है। मैंने कहा कुछ बढ़ रहा है? तो उन्होंने कहा आनंद बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। क्या? बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा, मैं पूछा आप बताओ जी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो उन्होंने कहा ये जो चक्की का आटा, इसकी रोटी इतनी नरम होती है, और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है। और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा आया, 2 रोटी ज्यादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते, और ये बाजार के आटे की 1 रोटी भी ज्यादा खाई तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। माताएं कहती हैं बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते। अब वो ये कहते हैं जी 1 केंद्र से 2 कर दो, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। 1 केंद्र 100 घरों का ही आटा बना पाता है रोज, क्योंकि 15-20 महिलाएं वहां चक्की चलाती हैं। हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड़ है, अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड़ है। अच्छा ये है कि हर घर में ही ये केंद्र हो जाए, इसमें तो अंत में हम कहां फंस जाएंगे? जगह जगह केंद्र बना के हम तो फंसने ही वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो, तो ये तो हम बिजनेस में नहीं जाना चाहते। हमारा उद्देश्य ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए। तो अब हमने वहां चक्की रखवाना शुरू किया, आप ले जाओ जी अपने घर में ये चक्की से आटा बना लो, आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर भी स्वस्थ रहे। तो वही मेरी आपको विनंती है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिलबट्टा भी वापस लाइए।